Union Defence Minister Rajnath Singh, he has given an interview to news agency ANI. Let's listen into what he said. देखिए, आज़ादी हासिल होने के बाद जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, सिक्योरिटी को सवाल को लेकर मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। हाँ, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नंबर 1 पर रहा है और हम जितनी अधिक ताकत और सुविधा अपनी जो है डिफेंस फोर्सेस को मुहैया करा सकते हैं, वो हम कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक ब्लैंक चेक दिया गया है, एक ओके दिया गया है कि आपको जो कदम उठाना पड़े सिक्योरिटी के लिए आप उठा सकते हैं? नहीं, हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास है कि जहां संयम की आवश्यकता होती है वह संयम का परिचय देते हैं, जहां शौर्य की आवश्यकता होती है शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देते हैं। इनके ऊपर पूरा हम सबको विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ बांधने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और यह जो कुछ भी बातें मैं बोल रहा हूं, यह मत समझिएगा कि केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोल रहा हूं। जो कुछ भी बातें बोल रहा हूं एकदम बिल्कुल दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं। आप गए थे वहां पर? आप लद्दाख गए? लद्दाख में गया था और वहां मैंने अपने सेना के जवानों से भी मैंने बातचीत की। आपको उस वक्त कैसा लगा जब आप जानते थे कि वहां पर हमारे सैनिक जो हैं वो दे वर टेकन अबैक, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, और जो गलवान में हुआ उससे दुख हुआ जरूर, लेकिन उस वक्त जवानों का जो हौसला है वो बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी थी? हौसला हमारे जवानों की बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं थी। जब मैं गया था हमारे जवानों का हौसला बुलंद था और वही मैं कहता हूं कुछ कूटनीतिक कारण होते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड सवालों का एकदम बिल्कुल खुलकर जवाब देना, खुलकर बोलना, या कभी कभी कुछ अपनी मजबूरी भी होती है, कुछ अपनी सीमाएं भी होती हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद था और आज भी है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है और संयम का भी, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। अभी चाइना जो है प्री अप्रैल 2020 पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे। तो ऐसे में सर्दियों के वक्त क्या आप समझते हैं कि गलवान जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है? देखिए, मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन भारतवासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, आपने अभी हाल ही में नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये हमारी बात को मैं समझता हूं सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुनेगा तो कम से कम यह फक्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षा मंत्री कह रहा है वह सच बोल रहा है। जी, ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पर भी ट्रांसग्रेशंस के थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटेलाइट्स के जरिए डेटा एनालिसिस करके वो देख चुके हैं कि वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के, वहाँ पर रोड डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर फोर्सेस जा रही हैं। क्या हमारे फोर्सेस वहाँ पर उसी नंबर के साथ और उसी मतलब वही वैसे ही सक्षम है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स? देखिए, भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेस लंबे समय से रहे हैं। अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेस समाप्त हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही न होते। वैसे पिछली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। हाँ, यह बात सही है कि चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से जो है करता चला रहा है, लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं, लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर यह आवश्यक है और वह काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी, मतलब एक एक तरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी? क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल, जिसे कहा जाए ना, हमारी नजर तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस, चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। सर, बट टू फ्रंट वॉर के बारे में तो कई अरसे से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, होने की बात अलग है, ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, भले ही अटैक ना हो लेकिन हर किस्म से, आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुल्कों की जैसे एक जकड़ हो गई है चाइना और पाकिस्तान, एक पियर्स ग्रिप जो। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहां तक सवाल है 200, 250, 300, 400 बार बराबर सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुवत है, ताकत है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। आप क्रॉस बॉर्डर के लिए कह रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर जो मुझे कहना था वो कह दिया मैंने।